खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। सतगुरु जी दी साजी निवाजी परम सन्मान योग गुरु खालसा साध संगत जीओ फतेह गजाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो साध संगत जी आप सारे ही बड़भागे हो जिथे अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेसर दे सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सवन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियाँ हाजरियाँ भरते हुए अपना लोक परलोक सोहेला बना रहे हो कलगी धर दशमेश पिता जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो यही बड़िया भागां की निशानी है अते ये सब सतगुरु महाराज जी की बख्शिश रहमत दा सदका है। सो साध संगत जी इस समय गुर इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है कवियां दे सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी द्वारा रचित श्री गुर प्रताप सूरज ग्रहण की सतवीं रास चल रही है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारिया ने सरवण किया भाई विधि चंद जी दूजा घोड़ा गुलबाग नामे घोड़ा किले की कंध लंघा करके नदी तर के लेके आ गए और घोड़ा भजा के ले जांदियां शाहजहां बादशाह सम्मन बुरज देख रहा है और उच्ची आवाज हाक मार रहा है ए खुदा दे मारियो अन्यो तुसी थोड़े सामने थोड़ी नज़रां दे सामने घोड़ा लेके जा रहा है तुसी कुछ करते नहीं इन्ना चेर थोड़े नाल रहा और थानू पता नहीं लग्या परख नहीं कीती दूजा घोड़ा भी लेके चला गया पहला तां जान पुणे चलै गया सी घाही बन के हुण दूजा घोड़ा सुना के लेके गया कि कित्थे लेके जा रहा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी का नाम लिया पिंड भी दस्या कि रूपा पिंड च ठहरे हैं पहला घोड़ा भी मैं लै गया दूजा भी मैं लेके जा रहा वो रौला पा रहा है उच्ची आवाज़ सुन के जड़े सिपाही सन कहिंदे ऐ जहां पना सानू तो बंद किया होया दरवाजे अंदर भाई विधि चंद जी ने सारिया के दरवाजे जिंदरा मार दिता सी और सम्मन बुरज शाहजहां के दरवाजे भी जिंदरा मारिया होया दरोगा सौदे खां है उसके दरवाजे नूं भी जिंदरा मारिया होया सारे अंदर ही अंदरों ही बाजा मार रहे हैं। फिर सौदे खां दरोगे ने अपने बाहूबल दे नाल दरवाजा भन के बाहर निकलिया फिर हथौड़े दे नाल शाहजहां बादशाह दे सम्मन बुरज का जिंदरा भन्निया बादशाह नूं मिलिया बादशाह ने ताड़ के कहा तुसी की कर रहे सी कहा सानू तो सारिया नू बंद करके चला गया कहूँ कुठारन को कर घट है कुहाड़ लै करके कहा कि सारे दरवाजे भन दो और सारिया नू बाहर कढ़ो कुहाड़े लै करके दरवाजे बढ़न लगे कोई कंध ढाउन लगे और फसे हुए जड़े मनुख सन उन्हां नू बाहर कढ़िया सारे स्त्री पुरुष जाग गए रौला पै गया सारे एक दूजे नू पुछदे हन जिन्हां नू जानकारी है वो दसदे हन कि दूजा घोड़ा भी कोई लै गया शाहजहां को बूझद भए कहो उपाय कौन बने आए कि दसो केड़ा उपाय बने आवे हुण ये घोड़ा लैके चला गया ग्राम नाम अरजो गुर बली
पिंड का नाम भी रूपा पिंड दसिया ते बली गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहे हो गयो लखो बहु भली। हुण अंधकार फैलिया होया है, हुण घोड़ा मिल नहीं सकता, ना चोर का पता लग सकता है। सुनत साहब रिस कर कहो, बहुत गुस्से दे नाल बादशाह शाहजहां कहन लग्या कि किसे दी बुद्धि कम नहीं कीती, थोड़े नज़रां दे सामने वो घोड़ा लेके चला गया, कितक दिवस अगारी रहो, कितने दिन तक थोड़े नाल रहा है। हुण मेरा हिरदा सड़ रहा है, पहला ही बड़ा दुखी सी, हुण दूजा घोड़ा भी कट के लै गया। सो इस तरह बहुत दुखी हो करके सब लोगन को कहो सिधावो, क्या हुण जाओ सारे सवेरे चढ़ाई करन दी तैयारी करो, क्योंकि जां मैं गुरु नूं फड़ांगा जां मार के आवांगा तां ही मैं चैन दी नींद सौवांगा। सारिआं नूं विदा कर दित्ता। हुण अगली सवेर की वार्ता हुंदी है, अगली कथा सरवण करन दे लई आपो अपनियां मनोबिरतियां नूं एकागर करिए। गुर की मूरत मन मह ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान, गुर कै चरण हृदय लै धारों, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारों। सतगुरां दे पवित्र चरणा कमलां नूं हिरदे विच वसाउंदे होए रसना पवित्र करिए। सारे माई भाई गज बज के आखिए सतनाम सिरे वाहे गुरु जी, फिर सारे गज के आखिए सतनाम सिरे वाहे गुरु जी। भई प्रभात सहो रह जागा, सो साध संगत जी इस तरह सारी रात बतीत हो गई, दिन चढ़ गया। बादशाह शाहजहां सारी रात जागदा रहा, पलक बिलोचन कै नह लागा, उहदे अख दियां पलकां जुटियां नहीं, अखां च नींद उड गई, सारी रात जागदा रहा। नित नवीन सो पालण जामा, और नित नवीन सौ पल्लियां वाला जामा पहनदा शाहजहां बादशाह। पहरत सूखम अत अबरामा, जो बहुत बरीक कपड़े दा जामा सौ पल्लियां वाला पाउंदा है। संध्या लग सो फट कर जाए, वो सौ पल्लियां वाला जामा शाम तक वो फट जाता है। अगले प्रात नवो पुन पाए, अगली सवेर सौ पल्लियां वाला नवा जामा पाउंदा है। आम खास मैं चल कर आयो, उस कचहरी भी चल के आया जिथे आम खास लोग बड़े बड़े उमराव छोटे उमराव अमीर वजीर सारे आ जा सकते हैं। बैठत गण उमराव बुलायो, और कचहरी में जा करके शाहजहां बादशाह ने सारे छोटे बड़े उमरावां नूं सद्या। सुन आए सिको सब चल आए, बादशाह दी आज्ञा सुन के सारे छोटे बड़े उमराव चल के आए। बड़े बड़े जामे घर पाए, उन्हां उमरावां ने बड़े बड़े गल वे जामे पाए हुए हैं। ते दीवान मुसाहिब जेई, जेड़े बादशाह दे मुसाहिब सन। महा सुपट कहलावत केई, जेड़े बड़े सूरमे अपने आप नूं कहुंदे सन। उते सलाही बाक प्रवीण, जेड़े बाग पट्टू सन हाजिर जवाब सन और बड़े कुशल सलाहकार सन। तसले मात आन गण कीना, सारिया ने आन के बादशाह नू तसली मात कीती। बत्र बिभूखन पहरे तन मैं, जिन्ना ने बस्त्र गहने शरीर विच पाए हुए हन। जरत जवाहर जाहर गण मैं, और जिन्ना गहनिया नू जहीरे जवाहरात जड़े हुए हन। सतगुर सिख वजीर खां आयो, सतगुरां दा एक सिख वजीर खां जो चल के आया, जो पंचम पिता पासों गुरसिखी प्राप्त कीती सी, वो बादशाह दा वजीर सी, नाम भी वजीर खां सी। वो सतगुरां दा
सिख वजीर खां चल के आया सुमत बंत बड़ सिद्क कमायो बहुत श्रेष्ठ बुद्धिवान जिसने सिखी सिद्क कमाई सी लगी कचहरी चारों कोद चार चुफेरियों कचहरी लग गई और सभा भर गई बैठ्यो हजरत हीन प्रमोद और कचहरी वे शाहजहां बादशाह खुशी तो रहत होकर के और मुरझाया चेहरा लेके बैठा है अतरन की छूटी छूटी महकारी अतर फुलेल दी महकार छुटन लगी चौह दिस धरी आन गुलजार और सिपाहियां ने चार चौफेरे लिया के गुलदस्ते रखे कचहरी विच चामी करते चित्रण थान और कचहरी दिया कंधा जो सोने दिया चित्रकारी कीतियां हुईयां इस हेरे उर हरख महान और जिस नू देख करके जिस चित्रकारी नू देख के मन विच बहुत आनंद पैदा हुंदा है कहयो साहु सब सुमत प्रवीण और सारे श्रेष्ठ बुद्धिमान प्रवीण चतुर सलाहकार जदों सारे कचहरी विच आ गए किन हुना कपटी परख बोकीन और किसे ने भाई विधि चंद दा कपट छल परखना नहीं कीता एक है लीन बनो कसियारो बादशाह कचहरी भी सारिया नू सुना के आखन लग्या के एक तां काही बन करके पहला घोड़ा लेके चला गया कैफ पिला करे मतवारो तनु सारिया नू शराब पिला करके मतवाले करके ले गया सो तो गयो अचानक जान हो बादशाह कहंदा है सारे उमरावां अमीरां वजीरां नूं ओह तां लै गया अचानक पर हुण जो दूजा घोड़ा लै गया तुहाडे सामने देखदिआं ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੂਸਰ ਕੋ ਬੜ ਅਚਰਜ ਮਨ ਹੋ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਜੋ ਲੈ ਗਿਆ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਨ ਪਾਏ ਹਮ ਆਪ ਹੈ ਦੀਨੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਨ ਕਾਠੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਨ ਕਾਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜੀਨ ਕਾਠੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜੀਨ ਪਾਈ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਿਨ ਪਰਖਣ ਕੀਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਉਹ ਤਸਕਰ ਕੇਰ ਦਿਲੇਰੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਚੋਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਡਰ ਲੇ ਗਮਨਿਓ ਜੁਗ ਬੇਰੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੋ ਘੋੜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ निडर हो गए दोनों घोड़े ले गया सुनियो ना हमने आँख निहारा ये कोई सुनी सुनाई गल नहीं असी अखी देखिया है सम्मन बुरजो मैं अखी देखता रहा कि किस तरह घोड़े ते सवार होया घोड़ा पजा के कंध टपा के ले गया कीन कपट हम सबन मजारा उसने सारिया दे विच जो ज्योतिषी बन के आया सी कपट किया ਚੱਲ ਪਰਪੰਚ ਰੱਜ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਤ ਲੈ ਗਇਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਕਾਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਮ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਘੋੜਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹਮ ਹੂੰ ਕੈਦ ਸਮਠਾਨਤ ਪਇਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਚੜ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਸਗਲ ਬਤਾਏ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਸਨੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਹੈ ਨਿਕਰਾਏ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਕਢਵਾਏ ਹਨ ਜੰਗਲ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਰੂਪਾ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਰੰਗ ਅਨੂਪਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ
घोड़ा भी उत्थे लै गया सा, हुण भी दूजा घोड़ा उत्थे लैके जा रहा हाँ। अबने बिलम सुहावत मोही, बादशाह कहिंदा हुण देरी मैनू चंगी नहीं लगदी, तैयारी करो सिगर जिम होही, तैयारी शीघ्रता दे नाल तैयारी करो, हुण एक घड़ी भी बर्दाश्त नहीं। जीन जीन पजवाहर जाहर जरे, और जवाहरात दे नाल जड़े हुए जीन, प्रेह सहत निकारण करे, मेरे प्यारे घोड़े नू जीन काठी दे सहत कढ़ना कीता। जब लो गुर को गहूं के मारो, जदा गुरु नू मैं फड़ांगा नहीं जा मारांगा नहीं, तब लो निंद्रा नह सुख तारो, तद तक मैं सुख दी निंद्रा नहीं सौवांगा। कहो अरूढ़ है लश्कर सारा, और तुसी तैयारी करो, सारा लश्कर सारी सेना चढ़ के चले, जबर जंजैल जमूरन वारा, जबर जंजैल जमूर जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र लेके सारे चल पैन, देहो सबको बारूद गोरी। बादशाह ने सेनापति नु कहा के सब सिपाहियां नु बारूद ते गोलियां बरताओ, तोप समूह चलह गुर ओरी, गुरु दी तरफ सारियां तोपा चलन, जह के करत फिर हलकारे, और हलकारे जड़े हन जिथे किथे कहंदे फिरदे हन, सिपाहियां नु तैयार कर रहे हन, सामा जंग ले हो कर त्यारे, और जंगी सामान सब तैयार कर लवो, निज निज दल में सबिन दीना, सारे सेनापति आपो अपने दल विच गोलियां बारूद बरतौना कीता, गोरी अर बारूद महीन, और महीन गोली ते बारूद सारे ने आपो अपने मिसलां विच आपो अपने दलां विच सेनापतियां ने गोलियां ते बारूद बरताए। चढ़न हेत हजरत असवारी, हजरत शाह जहां दे चढ़न वास्ते असवारी तैयार कीती गई, सुन आयस तत्छिन कर तैयारी, आज्ञा सुन के तत्छिन असवारी पालकी तैयार करके ल्यांदी गई। इत इत दोरे मानव फिरै, सारे मनुख इधर उधर दौड़दे फिरदे हन, रण की सब विद तैयारी करै, रण जोध दी हर तरह करके तैयारी कर रहे हन, हला चाल लभपुर में होई, इधर लाहौर शहर विच हलचल मची हुई है, पयो अचंपा पाखत कोई, सारे ही हैरान होके कह रहे ने ता बड़ी अचंभे वाली गल है, प्रथम हयन की सो बिद पई, और जिमे पहला घोड़ा लै गया उही बिद दूजे घोड़े दी होई, साहो चढ़न तैयारी अब लई, और बादशाह चढ़न की तैयारी कर ली, गुरु साहब जी की तरफ चढ़ाई करके चलन की तैयारी कर ली, नह सुध किसको क्या होए जाए, पर किसे नू कोई खबर नहीं के अगे जांदियां की हो जाना है, दोहे दी सपेर पर है समुदाय, दोहां पासियां तो बादशाह दा ते गुरु साहब जी दा बड़ा कमसान युद्ध होवेगा। उत श्री नानक को कर भारी, उधर श्री गुरु नानक देव महाराज जी का भारी घर है गुरु घर, जिनकी अजमत कह न सहारी, और जिन्ना दी अजमत करामात और सहारी नहीं जांदी, केड़ा झले गुरु की झाला, इत सब देसन को बड़ मालिक, उधर गुरु घर है जो दीन दुनी दे मालक सतगुरु नानक देव पातशाह जी दे छेवें स्वरूप श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज हैं, ते उधर जो दुनिया दा बादशाह शाहजहां जो है, कई लाख लश्कर तिस तालिक, कई लाख फौजां जिस दे अधीन हन, जहांगीर तो राख्यो रंग, जहांगीर बादशाह जो शाहजहां दा पिता सी ओ तां गुरु साहिब जी दे नाल प्रेम रंग रखदा रहा, एह बिगड़ियो श्री सतगुर संग, ये शाहजहां गुरु साहिब जी दे नाल बिगड़िया रहा, नहीं आदते किम बन आई, शुरू तो ही गुरु हर गोविंद साहिब महाराज जी दे नाल शाहजहां दी नहीं बन आई, रखी ना गुर कर की बड़ियाई, गुरु घर दी बड़ियाई महिमा नहीं जानी, छीन लीन है पूरब साहू, जो बादशाह ने काबली घोड़े खो लए सन सिख पासों,
ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਬ ਤੇ ਭਾ ਵਿਰੋਧ ਇਨ ਮਾਹੂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਗੁਲਬਾਗ ਨਾਮੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਖਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚਾਰ ਛਬੀਲਾ ਇੱਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਛੈਲ ਛਬੀਲੇ ਬਾਂਕੇ ਹਨ ਪੀਰ ਅਮੀਰ ਬੜ ਬੀਰ ਹਟੀਲਾ ਔਰ ਮੀਰ ਪੀਰ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਹੁ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਹਨ ਬਾਜਰ ਬਾਜੀ ਲੀਨ ਸੁਛੀਨ ਬਾਜ ਤੇ ਬਾਜੀ ਘੋੜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ ਪਕੜਿਆ ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਜ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਘੋੜੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਨਿਜ ਤੁਰੰਗ ਕੇ ਪਲਟਾ ਕੀਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪੁਰ ਮੈਂ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਕਹਾਂ ਨਗਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਰ ਹੈ ਮਹਾਯੁਗ ਸਗਲੇ ਲਹਿ ਸੋ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ ਇਮਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਭਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਭਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਹਿਤ ਸਾਹੋ ਚੜਬੋ ਰਿਸ ਧਾਰੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇਖ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਚ ਵੇਖ ਕਹਿ ਆਦ ਕੁਛ ਨਿਜ ਮਸਲਤ ਮਹਿ ਲੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਿੰਚ ਵੇਖ ਸੀ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੋਪਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਜਿਤਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੂ ਕੀ ਨੀਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਇਸ ਕੇ ਹੈ ਸਭ ਸੁਖਦਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੋ ਇਸ ਰੱਖੋ ਹਟਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਨ ਬੰਨੀਓ ਹਟਾ ਦਈਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਅਜਮਤ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਹਾਰੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰ ਸੰਗੀ ਸਭ ਸਾਹੂ ਸਲਾਹੀ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਮਿਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਮ ਨਾਹੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਨਾ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣ ਔਰ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੱਥ ਨ ਜੋੜ ਗੁਜ਼ਾਰਤ ਅਰਜੀ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰੀ ਹਜੂਰ ਆਨ ਕੀ ਮਰਜੀ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਛੀਨ ਸਭਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਮਰੋ ਚੜ੍ਹਨ ਹੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਲਾਇਤ ਲਿਖਿਓ ਸਿਧਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਇਤ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਗਰੇ ਤੁਮਰੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਟਿਗ ਅਲਪ ਬਾਹਨੀ ਰਹਿ
गुरु साहब जी दे कोल थोड़ी सेना है रहिंदी है। तुमको मालिक मुल्खन कहे, थानू सारे मुल्खां दा चक्रवर्ती सम्राट आखदे हन। ओहे बरोबर तो बन आवे, जे थोड़े बराबर दे होन तां चढ़ाई करनी बने हुंदी है। उन्हां दे पास थोड़ी जी सेना है, थोड़े पास लखां दी गिणती विच है, बहुत सारा असला है थोड़े कोल। चक्रवर्ती सम्राट हो, सारे बड़े बड़े राजे महाराजे न्यौंदे हन, थोड़ा ते गुरु साहब जी का की मुकाबला है। तो जे बराबरी दा राजा महाराजा हुंदा ते चढ़ाई करके थोड़ा जाना चंगा सी। ना है तलर बो सैन पठावे, और नहीं तो तुसी सेना भेज के भी जंग युद्ध कर सकते हो। जे अजमत कर गुरु पजावे, जे गुरु साहब जी करामात दे नाल जे निकल जान आलोप हो जान, हजो आप की जगत अलावे, तुसी आप चढ़ के जाओ और गुरु साहब जी ना मिलन उत्थे, अपनी शक्ति दे नाल रूहानी शक्ति दे नाल किधरे होर चले जान, थोड़ी निंदा होवेगी जगत विच। दुर्ग समीप ना गुर के कोई, और गुरु साहब जी दे पास कोई किला भी नहीं है। जिवें थोड़े पास किला है, उन्ना पास कोई किला नहीं, उजाड़ा विच बैठे हन। जिस हित बड़े जतन को जोई, और जे बड़ा मजबूत किला हुंदा, किले विच आकी होके रहंदे, फिर थोड़ा चढ़ के जाना जोग सी। किंच बेग तब गिरा बखानी, कदों किंच बेग ने इस गल दी पुष्टि कीती। कहत वजीर खान हित ठानी, ऐ बादशाह सलामत जो वजीर खान कह रहा है बिल्कुल सत कह रहा है। हम सब रावर के सुखदाई, असी आप जी दे सुखदाई हाँ, सलामती चाहते हाँ। बिगड़त कार सही नह जाई, ये काम बिगड़ गया साथों वो गल सहारी नहीं जानी। रिस कर आप चढ़न को चह, उसी गुस्से दे नाल क्रोध धार करके चढ़ के चलना चाहते हो। लख अनचुती क्यों नह कह, सो तुसी चढ़ के चलना चाहता, ये अनुचिती गल है, अजोग गल है। ये कोई सियाणा बंदा थोड़ी गल नू नहीं मन्नेगा, ये अजो गल कर रहे हो तुसी। साहो समीपी अपर जे सारे, बादशाह दे नजदीकी ते होर बहुत सारे अमीर वजीर उमराव जड़े सन। बाक वजीर खान सत्कारे, वजीर खान दी गल दी पुष्टि कीती हामी भरी। रावर चढ़ो विचारन करके, ऐ बादशाह सलामत तुसी सोच विचार के चंगी तरह फिर चढ़ के जाना करो। लायक अन लायक उर धर के, और लायक अन लायक जान करके हृदय विच धार करके जोग अजोग विचार करके चढ़ के जाना करो। तन तुमरे की हम सुख चह, थोड़े शरीर दी सलामती असी सुख चाहते हाँ। उत अजमत जुत गुर घर लह, उधर करामाता दे सहत गुरु घर नूं असी जानते हाँ। बाक वजीर खान पुण कहे, उना वजीर खान ने गल कही। लश्कर पठो जितक चित चाहो, ऐ बादशाह सलामत जिन्नी मर्जी सेना भेज दियो पर तुसी आप ना जावो। बहुत तोपन को नहीं पठावो, बहुत सारिया तोपा ना भेजना करो। थोरी पठो संग पट लावो, थोड़िया तोपा भेजो और सेना नाल भेजो। नंगी तेग रखा भो बीरा, यों करो मेरी सलाह मनो के सभा विच कचहरी विच एक नंगी कृपान रखावो। आन उठावे जो बर बीरा, जड़ा श्रेष्ठ वीर बलवान सूरमा होवेगा वो आकर के तेग कृपान नंगी कृपान चुके बीड़ा चुके। सो चढ़ जाए गुरु के ऊपर, पाना दा बीड़ा ते नंगी कृपान रखो थाल विच सभा दे विच। जड़ा बलवान होवेगा, जड़ा बीड़ा चुकेगा कृपान चुकेगा वो गुरु बल जावेगा। डर है मर है कट कर रण भूपर, रण युद्ध करके कटेगा मरेगा
ओ समझेगा जड़ा बीड़ा चुकेगा पीछे लख करो जिम लायक पिछो जिमे थोड़ी मर्जी जिमे जोग जानो तिवे करो तुम हो सर्व जगत के नायक उसी सारे जगत दे मालिक हो साहो जहां सुन कर इन बानी और वजीर खां दी गल सुन करके साह जहां बादशाह अच्छी जान लीन मन बानी अपने मन वे चंगी गल जान करके मन लई सेनापत उमराव बुलाए सारे बड़े बड़े उमराव सेनापति सदे पहुंचे सुनत हुकम सुमदाए बादशाह दे हुकम नु सुन के सेनापति ते उमराव बड़े बड़े आए सभा विशाल गई पर सारी कचहरी सारी भर गई सारी सभा भर गई उमरावां ते सेनापतियां दे नाल गण उमराव बड़े हंकारी बड़े बड़े हंकारी उमराव सानो सारे चल के आए तब है साहो तरवार निकारी तदों बादशाह शाह जहां ने म्यान चो तलवार कड़ी धर बीरे के सहत अगारी पान दा बीड़ा रख करके थाल वेच ते नंगी कृपान रख के खरो अर्ज बेगी तिस थान अर्ज करन वाला अर्ज बेगी उस थान ते खलोता सी नाम सलाबत खान बखान जेदा नाम सलाबत खान सी जो अर्ज करन वाला बादशाह वालों हुकम सुनाउन वाला बादशाह दा हुकम सुनाउन वाला जिसनु अर्ज बेगी आखदे हन जेदा नाम सलाबत खान सी सबिन सुनावत ऐसे कहयो सलाबत खान अर्ज बेगी ने सारी कचहरी वे सुना के यूं कहया गुर अर हजरत जीतन चाहयो और बैरी गुरु नु हजरत शाह जहां फड़ना जा मारना चाहुंदा है गह आन हो करण कर मार हो जा फड़ के लियावो जा रण जोध करके मार देओ तिन ते अधिक जे ओज निहार हो उन्ना तो अधिक जे अपना बल अपने विच देखो नगन तेग सो ले हो उठाई नंगी कृपान पाना दे बीड़े सहत चुकना करे हांडे तार पाना न बीरा मुख चरबाई और पाना दा बीड़ा मुख च चबना करे गुर प्रताप को जानत जेई जड़े गुरां दे तेज प्रताप नु जानदे सन हांडे धार तूसनी तेई ओ चुप चुप्पी धार करके खलोते रहे ओ अगे नहीं बदे जड़े गुरां दे बल नु तेज प्रताप नु चंगी तरह जानदे सन जिन्हां ने गुरु साहिब जी दा जंग युद्ध देखिया सी ओ ता चुप करके बैठे रहे प्रथम युद्ध में बल धर मारे पहले युद्ध विच जो 7000 मुगल सेना लेके मुगल खान सेनापति चढ़ के आया सी जिस तरह 7000 मुगल मारे छेवें पातशाह जी ने सारिया ने तुरकां ने देखिया सी ओ ता अगे नहीं आए जिन्हों सुनियो सो नहन उठारे और जिन्ना ने गुरु साहिब जी दा बल पराक्रम देखिया सुनिया सी उन्होंने कृपाण नहीं चुकी लला बेग काबल ठकुराई लला बेग जड़ा है काबल दा सूबा सो गर्भत चित लीन उठाई और उन्हें हंकार दे सहत ओ नंगी कृपाण चुक लई गह तरवार म्यान को कीना ओ नंगी कृपाण म्यान च पा लई पानन बीरा चरब सोलीना पाना दा बीड़ा मुंह च पाके चबन लग्या प्रथम जो है काबल ते लियायो पहला जो काबल तो घोड़ा लेके जो सिख आ रहा सी मग मैं सिख कर जतन छुपायो राह विच बड़े जतना दे नाल और मैला कपड़ा घोड़े दे उपर पा करके छिपा के संगतां दी भीड़ विच टोली विच लेके आ रहा सी आवत इसने ही लख लीन ओ दो घोड़े दिलबाग गुलबाग जो सिख लेके आ रहा सी गुरु साहिब जी वास्ते सब तो पहला लल्ला बे काबल दे सूबे ने देखिया सी लिख कर हजरत के सुत दीन और देख करके हजरत शाहजहां नु खबर कीती सी इसने खबर भेजी सी करी अवग्या श्री गुर केरी और गुरु साहिब जी दी अवग्या इसे ने कीती सी लल्ला बेग ने हतन हेत इसकी मत प्रेरी और मारन वास्ते इदी मत प्रेरी गई लखी साहू तरवार
उठाई। और इस जदों बादशाह शाहजहां ने देखा कि लल्ला बेग काबल दे सूबे ने भरी सभा विच पाना दा बीड़ा ते किरपान चुक ली है। दीनों सिरे पाओ बढ़ियाई और सिरे पाओ दे के बढ़ियाउणा कीता। कंचन लिपत जरे बिच हीरे जिस किरपान दे विच सोना जड़िया होया हीरे जड़े हुए हन। दही तुफंग कहे बच तीरे और बंदूक भी और तीरज दे करके बंदूक भी दिती। बहु मोला एक दियो तुरंग बहुत कीमती घोड़ा भी दिता। कंचन कटक जवाहर संग और सोने बेच हीरे जड़े हुए कड़ा भी दिता। कलगी जिगा बख्श कर दीन कलगी जिगा भी बख्श दिती। हित संघर के हरखत कीन जंग युद्ध करन वास्ते शाहजहां बादशाह बड़ा खुश हो करके सब चीजा दी बख्शिश कर रहा लल्ला बेग नूं। कहयो सहोली जय दल भारी और बादशाह ने कहा कि भारी दल सेना लैनी करो। जान न दीजै बिन अर मारे बैरी नूं मारे तो बिना जान नहीं देना रणभूमि चो। जे गुर गहयो जाए तो अच्छो जे गुरु जिंदा फड़िया जावे तो चंगी गल है। उन मारन को नाहिन बाछो फिर गुरु नूं मारन दी इच्छा ना रखनी। जे जिंदे ही फड़े गए ता जिंदा फड़ के लियाना मारना नहीं। चहू और ते ली जा केर चार चुफेरियो गुरु साहब जी नू घेर लेना। कह ली जा मिल का एक बेर सारे तुसी सेनापति सिपाहियां दे नाल सेना दे नाल मिल के चार चुफेरियो घेरा पा के फड़ लेना। जे आने मन सब ले हो दूना जे जिंदा फड़ के लियाओगे ते हुण नालो मुरातवा थोड़ा दुगना कर देंगा। अब ते कर हो मान छूना थोड़ा मान सम्मान भी चौगुना कर देंगा। भाज न जाए कहूं ले कोरे इदे गुरु साहब जी घोड़िया नू लेके भज ना जान। पर हो अचानक रण कर कोरे अचानक जाके पै जाओ जंग युद्ध मचा करके घोड़े दे सहित गुरु साहब जी नूं फड़ के लियावो। सुनकर बोलत बाबड मानी बड़ा हंकारी लल्ला बेग सुन के कहन लग्या कहां गुरु है मम अगवानी मेरे अगे गुरु की है ओ कुछ भी नहीं। मैं इन्ना बड़ा सूबा काबल दा गुरु मेरे अगे की है। एक बार भी हेरन पावो एक बार भी मैं सन्मुख देख लवा जाके कहले हो जीवत नत कावो और ज्योंदिया में फड़ के लियावांगा। लल्ला बेग को प्रात खरेओ है लल्ला बेग दा भरा कोल खड़ा सी हजरत की तब दृष्ट परेओ है। लल्ला बेग दे भरा दे ऊपर निगाह पै गई हजरत शाहजहां दी। कंबर बेग नाम ते लीना जेदा नाम कंबर बेग सी दान मान दे कर संग कीना उसनु दान मान दे करके नाल लल्ला बेग दे कीता। दोए पुत्र सो निकट खरे है लल्ला बेग दे दो पुत्र कोल खड़े सन तिन को पीपिक संग करे है और उसनु दोहां पुत्रां नु देख के भी नाल कीता। कासम बेग समसा बेग कासम बेग ते समसा बेग दोहां पुत्रां नु लल्ला बेग दे दोहां पुत्रां नु पिता दे नाल जान दा हुकुम कीता। तुम पी गम हो संग कर बेग तुसी भी शीघ्रता धार के पिता दे नाल जावो। बेग लला भगनी को नंद लल्ला बेग दी भैन दा पुत्र भाणजा एक सी कोल सब ते जिसको देह बुलंद सारे तुरका नालो जिदी देही बहुत भारी सी बहुत भारा शरीर सी जेदा। बकरा एक हलाल कर खावे एक बकरा साबत हलाल करके खा जांदा सी कल्ला। कितक अन्न जुत तब तृप्त बहुत सारा अन्न
खांदा सी तां ओ तृप्त हुंदा सी। लख कटका सम सिर जिस केरा, और छोटे घड़े वांग जेदा सिर सी। सब मैं गिनियत ओ जी बडेरा, सारे तुरकां विच बड़ा बलशाली सी। गहे रजतपन हर मिट जावे, जदों रजतपन चांदी दे सिक्के नूं हथ विच लैके चुटकी दे नाल मसल दिंदा सी। सिपर चीर कर दोए बनावे, वो चांदी दे सिक्के नूं चुटकी दे नाल मसल के हर्फ मिटा दिंदा सी, अखर मिटा दिंदा सी। ते ढाल नूं मुक्की मार के दो टुकड़े कर दिंदा सी। इत्यादिक बल बड़ जिस्माही, जिस दे विच इन्ना बल सी और बड़ा ते पराक्रम सी। हजरत कहयो हेर करताही, हजरत शाहजहां ने लला बेग दे भाणजे वल देख के कहा, तू मातल के संग सिधारो, तू अपने मामे दे नाल तू भी जाना कर। डील दराज गुरु कह मारो, तेरा डील दराज है, डील डौल बड़ा है, बड़ा भारी तू है, और गुरु नू फड़ना करो जा मारना करो। अधिक कठोर कमान मंगाई, बहुत कठोर कमान तनुक मंगवाया। युग तर कस तीरन परवाई, दो पत्थे तीरां दे परवाए। बस्तर विभूखण जुतबो दीन, बस्तर गहने बहुत सारे देने कीते। मान बड़ो हजरत ने कीन, हजरत शाहजहां ने बड़ा मान सत्कार कीता। पंचो बीरन को सन्माना, पंजे बीरां दा बड़ा सन्मान कीता कचहरी विच। लश्कर दीनो संग महाना, और बहुत सारी लश्कर सेना दित्ती नाल। सुपट सहंसर पंच अड़तीस, पंज अड़तीस तीह ते पंज पैंती हजार मुगल सेना नाल दित्ती। करे संग कै तुरकन ईस, तुरकां दा ईस जो शाहजहां बादशाह है, 35,000 मुगल सेना लल्ला बेग नूं जो काबुल दा सूबा सी नाल दे करके तोरिया। ले बढ़ियाई निकस्यो बाहर, शाहजहां बादशाह पासों बढ़ियाई लै करके, सरोपाओ लै करके लल्ला बेग काबुल दा सूबा बाहर निकलिया कचहरी चों। लाखो नरमै हो इस जाहर, लखां लोकां विच तुरकां विच जाहर हो गया, प्रगट हो गया, प्रसिद्ध हो गया के गुरु साहिब जी नूं फड़न जां मारन वास्ते चढ़ के चलिया है। लल्ला बेग श्री गुरु पर चढ़यो, लल्ला बेग गुरु साहिब दे उपर चढ़ के चलिया है। बड़ो विरोध सहो संग चढ़यो, और सारिआं ने देखिया बहुत जो बादशाह दे नाल जिन्हां दा बहुत बैर विरोध है। निज लश्कर मैं दियो नगारा, लल्ला बेग ने अपनी सेना विच नगारा बजवाया। सुनकर तैयार होए दल सारा, नगारे दी आवाज सुन के सारा दल तैयार हो गया। सब हिन जीन तुरंगम डारे, और नगारे दी आवाज सुन के सारे ने आपो अपने घोड़ियां दे उपर जीन काठियां पाईया। बस्तर शस्त्र तुरन ही तारे, छेती ही बस्त्र शस्त्र सजा ले। उन हजरत नर भलो पठायो, उन्हां हजरत शाहजहां ने एक चंगा बंदा सियाणा सूझवान भेजिया। लल्ला बेग नी के समझायो, जाके लल्ला बेग नू चंगी तरह समझा के आ। मग मैं बिलम न करिये कैसे, राह विच किसे तरह देरी ना करे। गमनो तूरन पहुंचो जैसे, और छेती ही शीघ्रता दे नाल उथे पहुंचना करे। राह विच ज्यादा विश्राम ना करे, देरी ना करे। त्रास पाए कर जाए पलाए, जे किथे डर धार करके डर पा करके गुरु भज ना जावे, इसलिए छेती जा करके अचानक पै जावे। विखलस कर बहु न ठहराए, बहुत सारी सेना दे के किथे ठहरन ही ना, उतों भज जान। पर विस है दीर्घ जंगल जबे, जदों बहुत घने बियाबान जंगल विच प्रवेश हो गए। मुश्किल होए खोजनो तबे, तदों गुरु नूं लभना बड़ा मुश्किल हो जावेगा। नह जह जल ते दल नह जाए, और जिथे जल नहीं है उथे अपना दल ना जावे,
ये समझाने लई शाहजहां बादशाह ने एक बंदा भेजा जिथे जल नहीं उत्थे नहीं जाना और ना आप जावे ना अपने दल भेजे। बन है मवास कहूं सर पाए, जिथे सरोवर देखे जल देखे उत्थे आकी हो करके मोर्चे बंदी करे। जे न भज है बनै दलेर, जे गुरु ना भजे दलेर बनके टिकया रहे। तुमरे पहुंचन में होए देर, साडे पहुंचन विच देरी हो जावे। सैना लेह सकेल बिसाला, इन्ने समय विच गुरु सारी सेना कठी कर लवेगा। सिख अपने कै धन दे जाला, अपने सिखा नू जा धन दे करके सिपाहियां नू और फौजा नू कठिया कर लवेगा। बिलम लगन मह एहो जुग दोस, देरी होन विच ए दो दोस लगन गे। निफल हुए तब हजरत रोस, फिर सारा जो प्लान है वो निष्फल हो जावेगा और बादशाह गुस्से होवेगा। वो बंदा समझा रहा लल्ला बेग नू, तो को पी आछी एहो नाही, और थोड़े वास्ते भी गल चंगी नहीं है क्योंकि तुसी सारे तुर्क दल दे तुर्क सेना दे मुखी हो, काबल दे सूबे हो और तुसा ने बीड़ा चुकया है और थोड़ी जिम्मेवारी बनती है के सही सलामत सब फौजा नू नाल लै करके चढ़ाई करके जाना। गह सम सेर सभा के माही, क्योंकि तुसा ने कचहरी भी सभा दे भी सारिया दे सामने समशेर कृपान चुकी है। रह आवे तुझको एहो भली, और थोड़े वास्ते ये भली गल रह आवेगी। गम न हो हत हो के गुर गोह गुर बली, और जड़ा बली गुरु है उसनु जा जाके फड़ो जा मारो। लला बेग तब कहे सुनाए, और उस तुर्क पासों सुन के लला बेग सूबा कहन लग्या। जह लग चले ओ जानत है जाए, जिथे दा गुरु जाना चाहुंदा जान देओ। साहो हृदय को धीरज दीजै, जाके बादशाह नु दिलासा देओ मेरे बनियो। दुश्मन अल्प जाए जी लीजै, दुश्मन अल्प जाए जी लीजै। दिल में जान लाओ के दुश्मन दे पास थोड़ी सेना है। अधिक जतन क्यों ठानत ऐसे, बादशाह क्यों इतना जतन कर रहा है, इतना क्यों घबरा रहा है। थोड़ी जी सेना मैं जांदियां सब नू फड़ लवांगा। लख हो सतरु मारियो होए जैसे, और जानो के जांदियां ही मैं सतरुआ नू बैरियां नू मार लिया जानो। इति चमु गन मैं ले संग, और इतनी सेना मैं नाल लेके जा रहा। दुर्ग मवासे कर हो भंग, और मवासे किले नू आकी किले नू मैं जाके भंग कर देंगा। लाखो सेना को हन डारू, लखा ही सेना नू मैं मार के सट देंगा। तिरो जंग मैं नाहिन हारूं, और पैर जमा के रणभूमि जंग करांगा, मैं हारांगा नहीं। आगे करी अनेक लड़ाई, आगे भी अनेक लड़ाइयां लड़िया हन। मारत मरते अवध बिताई, मारदिया मरदिया सारी उम्र लंघाई है। रह जंग मैं जीत हमारी, हर एक जंग भी साड़ी जीत हुं दी रही है। परखन की नसकेतक बारी, और कहे किन्ने बारी असा ने परखना कीता है। कहो सहो सो मैं अब जाऊं, बादशाह नु जाके कहो दिलासा देओ मैं हुन जा रहा। नह मारग मैं बिलम लगाऊं, राह विच मैं देरी नहीं करांगा। सुन सो कहयो गयो सब जाए, और सुन करके ओ तुर्क जो समझाउन वास्ते आया सी सब बादशाह नू जाके कह के सुनाया। निश्चय जानियो गुर कह लियाए, आए बादशाह सलामत तुसी निश्चय जानो लल्ला बेग गया है, निश्चय ही गुरु नू फड़ लियावेगा। कै शस्त्रन सो मारियो जाए, जा शस्त्रां दे नाल
मार के लियावेगा जा जिंदा फड़ के लियावेगा है निक सावन तब फल पाए तदों घोड़ा कटवाउण दा फल पा लवेगा गुरु सभा विखे बहु बार उचारा सभा विखे बहुत बारी उचारण कीता अस तस करन सुने उनिहारा बादशाह कहिंदा एहो जा चोर मैं अज तक नहीं देखिया जेड़ा उच्ची आवाज च कह के सुना के घोड़ा ले गया होवे कि पहला घोड़ा भी मैं ले गया दूजा भी मैं लेके जा रहा हैं और दोनों घोड़े गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मेरे द्वारे कटवाए हैं और रूपे पिंड भी ठहरे हुए हैं। ये सारी गल कह के घोड़ा लेके गया एहो जा चोर मैं अज तक नहीं देखिया कर विशाल छल ठग कर गयो और बड़ा ठग बन करके छल परपंज करके घोड़ा ले गया अधिक अचंपा चित में कियो चित विच बहुत अचंबा कर गया बहुत हैरान कर गया चित विच सानू सो साध संगत जी इत्थे इतिहास संपूर्ण होया समा भी समाप्त है अगली कथा अगले इतिहास विच आपां कल नू सरवण करांगे आओ दो मिनट वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करिए उपरंत समाप्ति है उठत बैठत सोबत जागत गुरमंत्र हृदय चितार उठद्या बहद्या सौद्या जागद्या वाहिगुरु गुरमंत्र नू जपदे रहिए श्वास श्वास बिन जहबा जो जपै है आए पहला श्वासा दे नाल मेल के आउंदे जांदे श्वासा राही वाहिगुरु मंत्र दा जाप करना है जदों अभ्यास दृढ़ हो जावे ते बिन जहवा जो जपै है आए हिरदे तों जाप करना जबान हिलाए बिना अभ्यास इन्ना दृढ़ हो जावे कि जबान हिलाउण दी लोड़ ना पवे अपने आप ऑटोमेटिक जाप शुरू हो जावे उसनू कहिंदे ने अजप्पा जाप। ये सारी गल अभ्यास करन दे नाल ये चीज़ां प्राप्त हुंदियां सो आओ आपां वाहिगुरु मंत्र दी हाजरी लाइए कोई रसना वांझी ना रहे वाहे गुरु 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 हर हर नाम जपनते हैं कछ न कहे जमकाल नानक मंतन सुखी होए अंते मिले गोपाल सब बिखे बहु बार उचारा अस तस करन सुने उनिहारा कर विशाल छल ठग कर गयो अधिक अचंपा चित मह कियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद आल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तो हाड़े तक पहुंच दी रवे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।